Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग क्रेज विद नाहिद के साथ, नाहिद आपके साथ एक छोटी सी बेकिंग टिप के साथ हूँ। और ये भाई पहले बता दूँ कि ये मेरे तमाम न्यू बिगनर्स सिस्टर्स के लिए हैं, ठीक है। एक्सपर्ट तो माशाल्लाह सब अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन न्यू बिगनर्स जो हमारी सिस्टर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ एक छोटी सी वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि केक की फ्रोस्टिंग में, केक को फ्रोस्टिंग करते हुए हमें कौन सा क्रीम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई क्रीम जहन में आता है जो शुरू शुरू बेकिंग शुरू करते हैं वो बाज़ार से जाकर इस तरह का टेट्रा पैक, जो ऑलपर्स मिल्क पैक हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड की मौजूद है वो ले आते हैं। आजकल तो ऑलपर्स वगैरह इन्होंने व्हिप क्रीम भी इंट्रोड्यूस करवाया है। तो यहाँ मैं आपको आपसे एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी केक की फ्रोस्टिंग के लिए ऑलपर्स या इस तरह की इस तरह का जो टेट्रा पैक है वो सूटेबल नहीं होता। हाँ, इसको थोड़ा सा व्हिप करने के बाद ये अच्छा तो हो जाता है, थोड़ा सा फ्लफी भी हो जाता है, लेकिन आपके केक में जब आप फ्लावर बनाते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, तो ये इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता। तो फिर आप क्या यूज़ करें, आपको इस तरह का व्हिप क्रीम का बॉक्स लाना होगा। देखें, यहाँ मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मेरे पास अभी इस वक्त वीपी व्हिप वालों का रखा था। ये कराची में बहुत ज़्यादा यूज़ भी की जाती है, इजीली मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे व्हिप क्रीम हैं जो आजकल बाज़ार में अवेलेबल है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को नाम भी बताती जाऊँगी। इस ये 1 kg का पैक है, और ये देखें, इसको थोड़ा सा क्लोज करके मैं दिखाती हूँ। ये है व्हिपिंग क्रीम, ये व्हिपिंग क्रीम होता है। और एक छोटा सा फ़र्क और भी समझ लें, ये हैवी क्रीम है और ये हैवी क्रीम नहीं होता, ये नॉर्मल क्रीम होता है। ये स्वीटनेस इसमें नहीं होती, इसमें शुगर चीनी वगैरह जब आप इसको डेजर्ट में यूज़ करें या किसी भी रेसिपी में, इसमें आपको चीनी ऐड करना पड़ता है। मगर इसमें व्हिप क्रीम में आपके पास ऑलरेडी शुगर एडेड होता है। आप इस व्हिप क्रीम को ईजीली आपने केक की फ्रोस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट गनाश बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने अगले किसी वीडियो में आपको व्हिप क्रीम से भी चॉकलेट सॉस, या जिसे बेकिंग के लैंग्वेज में चॉकलेट गनाश कहते हैं, वो बनाना सिखाऊंगी और इससे भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब आप लोग की थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी आई होप कि व्हिप क्रीम और हैवी क्रीम या टेट्रा पैक क्रीम में क्या फ़र्क है और आप इनको किस तरीके से किस वे पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रीम के व्हिपिंग की बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दे दूंगी आपको। और ये है हमारे पास हैवी क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम, इसे आप डेजर्ट में, कुकिंग में और इस तरह की कोई, जैसे आपको किसी केक में जस्ट एक चॉकलेट गनाश बना के डालना है उसमें, या सिंपल लेयर लगाना है, आइसक्रीम्स बनाना है उसमें ये सूटेबल है। बट केक फ्रोस्टिंग के लिए काइंडली, या अब तो हर सुपर मार्केट आप में चेज़ है, इम्तियाज़ है, बहुत से जगहों पे ये इजीली इस तरह का व्हिप क्रीम बहुत सारे ब्रांड में, सिल्वर व्हिप, गोल्डन व्हिप, इसके अलावा सलवा व्हिप, इसके अलावा विप्को, बहुत से ब्रांड में। मेरे पास इस वक्त ये था, इसका बॉक्स इस तरह का होता है, ये 1 kg का है। और अभी जब मैं 2001 में ये वीडियो बना रही हूँ तो इसकी प्राइस मेरे पास है 320 rupees पर kg, या हाफ़ kg में भी मिलता है, और इसकी प्राइस 130 है, ठीक है। तो आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी यूज़फुल रही होगी। आपको इसके हवाले से मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात पूछनी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, और मुझे नाहिद खान के में जो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कुकिंग क्रेज विद नाहिद के नाम से, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आगे आपके साथ आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।